मेरी पंचायत ऐप। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है। राष्ट्रपिता के सशक्त पंचायतों के सपनों को साकार करने और ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन लागू करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू कर गाँव के चहुमुखी विकास में जनता की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा अनेक योजनाएं बनाकर लागू की जा रही हैं। सक्रिय जन भागीदारी एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ विकास योजनाओं एवं अन्य गतिविधियों का क्रियान्वयन पंचायतों के सशक्तिकरण व विकास का मूल मंत्र है एवं इसको प्राप्त करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने NIC के साथ मिलकर एक मोबाइल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म व मोबाइल ऐप को बनाया है जिसका नाम है मेरी पंचायत। मेरी पंचायत ऐप ग्राम पंचायतों को स्मार्ट पंचायत के रूप में विकसित कर गुड गवर्नेंस की अवधारणा को लागू करने में मदद करेगी व भारत की 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व पंचायतों के लगभग 80 करोड़ निवासियों एवं अन्य सभी हितधारकों के लिए एक एकीकृत मोबाइल आधारित गुड गवर्नेंस प्लेटफॉर्म प्रदान करेगी। इस तरह से मेरी पंचायत ऐप ग्राम पंचायत विकास योजना, विकास कार्यों, गतिविधियों और प्रबंधन में जन सहभागिता को बढ़ावा देकर पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान यानी PURA के सामने व स्मार्ट पंचायत की अवधारणा को साकार करने के लिए पंजीकृत निवासियों को अन्य बहुत सी सुविधाएं व सेवाएं देती है। सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी, बंद स्ट्रीट लाइट, पेयजल आपूर्ति में समस्या, मृत जानवरों, गंदे सार्वजनिक शौचालयों, निर्माणाधीन विकास कार्यों की गुणवत्ता से संबंधित शिकायत व सुझाव भी दर्ज कर सकता है। शिकायतों की प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए यूजर को मौके से जियो टैग, जियो फेंस्ड फोटो को साक्ष्य के रूप में अपलोड करने की सुविधा है। मेरी पंचायत ऐप में पंचायतों के निवासियों को अपनी पंचायत के सभी विकास कार्यों और लाभार्थियों के सोशल ऑडिट की सुविधा भी प्रदान करता है। पंजीकृत निवासी ऐप पर लॉगिन कर अपने पंचायत के सभी विकास कार्यों, उनके जियो टैग्ड फोटो, GPS लोकेशन और उनकी वास्तविक स्थिति, प्रगति को अपने मोबाइल पर देखकर कार्यस्थल से कार्यों की स्थिति और गुणवत्ता के संबंध में फीडबैक व सुझाव भी दे सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि मेरी पंचायत ऐप का प्रयोग कैसे करते हैं। इस ऐप का प्रयोग करने के लिए नागरिकों को अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर कर मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को दर्ज कर अपनी पहचान को प्रमाणित कर अपना पंजीयन करना होगा। पंजीयन के बाद नागरिक अपनी ग्राम पंचायत चुन पंचायत की समस्त जानकारी देख अन्य सभी सेवाएं व सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। ऐप की बहुत सी सुविधाएं व सेवाएं यूजर के लोकेशन आधारित हैं, इसलिए ऐप का प्रयोग करते समय यूजर को अपने मोबाइल फोन का GPS ऑन करना जरूरी है। पंचायत चुनने के लिए यूजर को 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला तरीका, अपनी पंचायत का पिन कोड एंटर कर। दूसरा तरीका, पहले प्रदेश, फिर जिला और फिर ग्राम पंचायत चुनना। तीसरा तरीका, सीधे सर्च बार में जाकर ग्राम पंचायत चुनना। इस प्रकार मेरी पंचायत ऐप नवीनतम तकनीकों का प्रयोग कर पंचायतों के कार्यप्रणाली को सुगम, पारदर्शी, विश्वसनीय व उत्तरदायी बनाकर सुशासन और डिजिटल समावेशन के लिए एक प्रभावी, उपयोगी और एकीकृत समाधान का मार्ग प्रशस्त करेगा। ऐप ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाएगा और उन्हें वास्तव में अपनी पंचायतों के शासन, विकास और कामकाज में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाएगा। मेरी पंचायत ऐप को डाउनलोड करने के लिए नागरिक Google Play Store पर जाकर सर्च कर सकते हैं।